देखो सीखो पर क्लास 9 के पाकिस्तान स्टडीज के गेस्ट पेपर 2020 में लेकर आई हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, अबाउट 20 डेज़ हैं एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ तैयारी आप जो कर चुके हैं उसको, उसमें से भी आप मज़ीद कम कर सकते हैं तैयारी, मेरे इंपॉर्टेंट को फॉलो कीजिए। 95% यही पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, लाइक आप बोलें इसको सेक्शन ए पेपर का, जो कि 15 मार्क्स का होते हैं, वो एमसीक्यूज़ होते हैं, उसकी भी तैयारी मैं आपको कराऊंगी। वो ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे जो कि आप पेपर से एक दिन पहले भी मेरा वीडियो गौर से देख लेंगे, 2-3 दफ़ा सुन लेंगे, तो उस सुनने से आपके कान में जो आंसर्स जाएंगे उनको आप रिमेंबर कर लीजिएगा और आपके एमसीक्यूज़ 100% निकल आएंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी हर पेपर के। लेकिन अभी आप देखिए कि सेक्शन ए का तो 15 मार्क्स का हमारा एमसीक्यूज़ हो गया। सेक्शन बी में आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि 4 मार्क्स के ईच होते हैं। डिफाइन आइडियोलॉजी, बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी, डिस्क्राइब अल्लामा इकबाल्स व्यू ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, राइट द नेम ऑफ 4 स्टेटमेंट्स ऑफ कायद आज़म ऑन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, राइट एनी 2 स्टेटमेंट्स ऑफ कायद आज़म ऑन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, राइट 4 रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन बिल्डिंग नेशनल करेक्टर, राइट 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ फराइजी मूवमेंट, राइट एनी 4 पॉइंट्स फ्रॉम 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, राइट 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, राइट 4 सेंटेंसेस ऑफ कायदे आज़म एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, स्टेट रोल ऑफ सिंध इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, राइट 4 सेंटेंसेस ऑन 3rd जून प्लान, राइट 4 सेंटेंसेस ऑन लाहौर रेजोल्यूशन 1940, नेम 4 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नेम 4 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नेम 4 गवर्नर ऑफ सिंध। आप देखिए ये जो आप करेंगे तो एज अ टेन्योर आप इनके साथ करेंगे, टेन्योर लिखना ज़रूरी होता है, राइट एनी 4 सेलियंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, राइट 4 क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान, नेम 4 माउंटेन रीजन पाकिस्तान, नेम 4 डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, नेम राइट 4 स्टेप्स ऑफ रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, राइट 4 डैम्स ऑफ पाकिस्तान, राइट 4 मिनरल्स विद देयर यूजेस, स्टेट 4 यूजेस ऑफ नेचुरल गैसेस, नेम 4 कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, मेंशन 4 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट for the development of industries in Pakistan, write down 4 sentences on the national development, what is the condition of literacy rate in Pakistan, write few sentence about it, define culture and write down the 4 characteristics of culture of Pakistan, name 4 fairs in Pakistan, name 4 poets and writers of Pakistan, name 4 saint of Pakistan, write 4 problems drawbacks aa jaye ya problems ke naam se aa jaye of education in Pakistan, write any 4 steps taken by the government for the public education aa jaye universal education aa jaye, write 4 characteristic of population of Pakistan, write 4 duties of an individual in welfare state, write 4 main national objectives of Pakistan, name 4 government in industries to stop corruption, government institutions to stop corruption, state 4 duties of students as citizen, write down any 4 rights and duties of a citizen। अब आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमारा सेक्शन सी होता है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है वो, और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, हमें 3 करने होते हैं। नोट ऑन सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, मेंशन द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, नोट ऑन टू नेशन थ्योरी, मेंशन रोल ऑफ शाह वलीउल्लाह इन द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, हाईलाइट्स द मेन पॉइंट्स वेयर विच मेक्स द करेक्टर ऑफ कायद आज़म अ मॉडल for others, why did East Pakistan separate from West Pakistan, write the salient feature of 1973 constitution, define the importance of location of Pakistan, yani importance of location ka jo pura bada sawal hai conclusion ke sath aur introduction ke sath aapne karna hai, what is environmental pollution, type of environmental pollution and their cause, ye note bhi aa sakta hai environmental pollution pe is tarike se, what are the agriculture problems of Pakistan, note on e-commerce, what are the advantages of forest,
Write a note on cotton and sugar industries of Pakistan. What are the causes of growth population in Pakistan? Describe the effects of growing population on health and education. Write 4 steps to reduce high growth rate of population. मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ दौरान आपके इसके के जब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि पेपर किस में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ मेरा वीडियो आखिर वक्त तक देखा कीजिए. जिस तरह देखिए आप ये कॉजेज़ ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का सवाल इस तरीके से भी आता है कि ये एक सवाल पूछ के और आधा ये सवाल पूछते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ एजुकेशन बता दें या इसी के साथ इफ़ेक्ट ऑफ हेल्थ लगा दें. तो ये कभी भी इस तरीके से पूरा बहुत ही कम आता है ये वाला सवाल कि जी आपका इफ़ेक्ट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन हेल्थ और एजुकेशन का एक साथ तो बहुत मुश्किल आता है, लेकिन अमूमन ये कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के साथ एजुकेशन का इफेक्ट या हेल्थ का इफेक्ट मिला देते हैं. तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए क्योंकि ज्वाइन करना आपको आता हो आंसर्स को. राइट 4 स्टेप्स टू रिड्यूस हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. ये शॉर्ट में था, लॉन्ग में मैंने लिख दिया, ये शॉर्ट में आया था. डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंस ऑफ उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज. नोट ऑन Teachers training of Pakistan. What are the main components of scheme of studies at secondary level of education? Write the importance of technical and vocational education in Pakistan. What is meant by the welfare state? Describe the concept of welfare state in Islam. What is the meaning of corruption? What are its harmful effects on the society? ये important long questions थे और short भी questions मैं आपको बता चुकी हूँ. मेरे channel को देखिए और बार बार सुने MCQs. जब मैं आपको बताऊंगी तो बार बार आपके कानों में वो MCQs जाएंगी, तो उससे ये होगा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आप तैयारी करते हैं MCQs की, तो 95% या 100% भी आप MCQs आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी बुक में से एक्सट्रैक्ट करके MCQs बनाती हूँ. मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको बताइए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए. थैंक यू.